कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संजना तिवारी में। तो आज जैसे कि हम आज शाम की सब्जी के लिए हरी सब्जी तोड़ने वाले हैं, और ये सब्जी लगाई है पापा ने, बेल है। तो आपको ये पापा ने लगाई है और ये काफ़ी लंबी हो गई है ये बेल, तो ये काफ़ी हरी भरी सब्जियाँ हैं। और हमें तो वैसे भी हरी सब्जी तो खानी चाहिए, बरसात के सीज़न में पापा ने ये सब्जियाँ लगाई हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा घर की सब्जियाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे छोटी मोटी हरी सब्जियाँ तो खानी चाहिए। वैसे भी सेहत के लिए हरी सब्जियाँ बहुत सही रहती हैं, प्रोटीन होता है इनमें। तो आपको मैं दिखाऊं, इनसे काफ़ी सारा प्रोटीन मिलता है हमें। तो इनके देखो, ये काफ़ी लंबी हो चुकी है। ये दिखाऊंगी कि हमारे वहाँ की सब्जी, ज़्यादा से ज़्यादा हम हरी सब्जियों को ही इस्तेमाल करते हैं। हरी सब्जियां पापा काफ़ी लगाते हैं, वैसे पापा को हरी सब्जियों का काफ़ी शौक है, तो पापा लगाते रहते हैं, नई से नई चीज़ें लगाते हैं। तो हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये किस तरीके से हो रही है। छोटी सी बेल थी पहले, तो ये काफ़ी बढ़ चुकी है, ये बेल ये काफ़ी फैल चुकी है, और इससे फूल इस तरीके की पत्तियाँ इस तरीके की होती हैं, और इसके आपको साथ ही साथ फूल इस तरीके के होते हैं। और जब ये छोटा होता है, जब इसमें से फूल होते हैं, तो ये जब छोटा होता है तो ये इस तरीके के दिखाई देता है। ये बढ़ने के बाद आपको इसी की ये सब्जी, इनको बीन्स बोलते हैं हम, तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं, और ये काफ़ी इससे भी ज़्यादा ये लंबे होते हैं। तो हमें आज हम आपको मैं दिखाऊँ तो किस तरीके से कितने लंबे हो सकते हैं। तो आपको मैं एक सब्जी तोड़ के दिखा देती हूँ, या आपको ऐसे दिखा देती हूँ। तो ये काफ़ी लंबा हो रखा है, तो आपको थोड़ा ये आधा मीटर तक का लंबा हमारी ये सब्जी हो रखी है। आपको ऐसे दिखा देती हूँ मैं तोड़ के ज़रा, तो ये आपको दिखा दूँ। ये आपको मैं अपने हाथ के हिसाब से दिखा सकती हूँ, तो मैंने ये कहाँ से कहाँ तक ये आपको दिख रही होगी, ये कितनी लंबी हो चुकी है। काफ़ी लंबी हो गई है ये बेल, इसी बीन्स ये आपको दिखा दूँ, ये इतनी लंबी हो रखी है। आज हम इसकी बनाएंगे सब्जी, तो ये काफ़ी लंबी हो गई है। तो यहाँ भी हो रखे हैं ये, तो हम पहले जो सबसे बड़ी हो चुकी हैं, पुष्ट हो चुकी हैं, हम उनको उठाएंगे, क्योंकि पहले छोटे तो बाद में हमें बढ़ेंगे, ये और बढ़ेंगे उनके, क्योंकि इनको इन हिसाब से बनना है। तो हम पहले ये वाला उठाते हैं सब्जी के लिए, आज की सब्जी के लिए आज हम ये वाली सब्जी उठाएंगे। तो ये मैंने इतनी उठा दी हैं, तो मैं बाकी और सब्जियाँ उठा लूँ। ये काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो मैं आपको दिखाऊँगी मैं कितनी ये कितनी लंबी लंबी हो रखी हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, मैं एक साथ आपको हाथ में ये इकट्ठा करके दिखा दूंगी ये कितनी लंबी हो रखी है और कितनी ज़्यादा है। इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी होती है, चाहे तो आप हरी सब्जी में, तो वैसे भी कोई किसी भी सब्जी, आलू आप मिक्स कर सकते हैं इसमें। तो मैं आपको ये सब्जी का दिखाती हूँ, ये हम बिना आलू ऐड के बनाएंगे बता। वैसे हम ये बिना आलू ऐड करे बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारी है, इसमें आलू में मिलाने की ज़रूरत नहीं है हमें बिना आलू ऐड किए, क्योंकि ये बिना आलू ऐड करे भी बहुत अच्छी होती है। आप चाहे तो इसमें आलू ऐड भी कर सकते हैं, चाहे नहीं भी, ये वैसे भी अच्छी होती है, टेस्टी होती है खाने में। तो मैं आपको ये और तोड़ के दिखाती हूँ, तो आपको अब मैं दिखा दूँ। ये मैंने तोड़ दिए हैं, और ये काफ़ी इतनी लंबी है, ये इतनी लंबी है मेरे हाथ के, आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबी है, आधे मीटर, आधे मीटर तक का ये लंबी है। और आपको लोबिया बोलते हैं, बीन्स भी बोला जाता है, और अलग तरीके से भी इसमें, मतलब इसके कई नाम है, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम। हमारे यहाँ तो बीन्स लोबिया बोलते हैं, और पहाड़ी में तो हम इनको सुट्टे बोलते हैं, वैसे सुट्टे भी बोलते हैं हम लोग ज़्यादा, किसी को सुट्टे खाने तो सुट्टे ले लो। तो अभी हमने इतने तोड़ दिए हैं, ये काफ़ी है अभी सब्जी के लिए। तो मैं आपको दिखा दूँ तो कि मैंने कितने तोड़ दिए हैं, या आज की सब्जी के लिए हमारे लिए काफ़ी है। ये मैंने इतनी ये तोड़ दी हैं, ये काफ़ी सारी मैंने तोड़ दी हैं, ये आपको पूरा दिख जाएगा, क्योंकि इतने ये बहुत सारी, ये हमारे लिए बहुत हुई इतनी सब्जी। तो ये हमारे लिए शाम के लिए हो गई है सब्जी का, सब्जी तैयार। हम वैसे भी एक एक दो दो दिन छोड़ के घर की हरी सब्जियां खाते रहते हैं, क्योंकि पापा ने काफ़ी सारे बेले लगा रखी हैं। तो जैसे कि हम ये
लेके जा रहे हैं, तो ये काफ़ी लगा रखी हैं। अब ये इनको होने में कम से कम ये एक दो दिन में ये हो जाएंगी। और तो और हम एक एक दिन दो दो दिन छोड़ के हरी सब्जियां घर की अपनी खाते रहते हैं, क्योंकि घर की सब्जियों में ना दवाइयां ना कुछ मिले रहता है। तो हम घर की सब्जियां भी प्रोटीन वाली खाते रहते हैं, साथ ही साथ घर की सब्जियों में ज़्यादा प्रोटीन होता है। हरी सब्जियां हर किसी को वैसे भी खानी चाहिए, और हमारे घर में तो हर कोई हरी सब्जियां खाता है, तो हमें तो पापा इसीलिए हरी सब्जियां लगाते रहते हैं। हम काफ़ी बेले लगाई हैं, पापा ने काफ़ी सारी सब्जियां लगाई हैं, जैसे बीन्स हो गए, कद्दू हो गए, लौकी, तुरई, तो पापा ने काफ़ी लगा रखी हैं, क्योंकि हर कोई हरी सब्जी खाता है घर में। तो आज हम बना रहे हैं बीन्स की सब्जी, तो हम चलते हैं।